हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे टोकन्स या फिर कॉइन्स के बारे में, कैसे इसको जल्दी कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ इसके ऊपर, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। उसमें मैंने दिखाया हूँ कि कौन से आर्ट बुक को ब्रेक करने के बाद ज़्यादा कॉइन्स मिलते हैं। उसके बाद ये देखना, अगर नहीं देखना तो फिर भी कोई दिक्कत है नहीं, यही देख लो। उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो। ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स ऑलमोस्ट 62% ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। अगर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो एक शाइनी पोकेमोन दूंगा मैं। तो बहुत हो गया। तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। 1, कलेक्शन ऑफ एनर्जी। 2, विच वन टू ब्रेक टू गेट द मोस्ट पॉसिबल कॉइन्स आउट ऑफ इट। 3, इन गेम बेस्ट टाइम टू ब्रेक स्लैश फ्रंट एंड टू कलेक्ट कॉइन्स। और लास्टली एक बोनस टिप, जेम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कलेक्शन ऑफ एनर्जीज। देखो, यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज हम लोग इसके बिना कुछ ब्रेक या स्ट्रेंथ नहीं कर सकते। बेसिकली दिस इज द की। आप लोग क्या कर सकते हो, जब वैल्यू एक्सचेंज इवेंट नहीं होगा तब जितना हो सके उतना एनर्जी जो है कलेक्ट करते जाओ। डेली हमको 2 in-game time पे 90-90 करके एनर्जीज मिलते हैं। जस्ट मेक श्योर दैट यू गाइस कलेक्ट दोस। उसके बाद डेली हम लोग को 2 chances दिया जाता है जेम्स के थ्रू एनर्जीज कलेक्ट करने का, वो भी करते रहना डेली। फिर जब इवेंट आएगा वैल्यू एक्सचेंज का तभी धराधर यूज़ कर देना। लेकिन कौन सा आर्ट बुक सबसे ज़्यादा कॉइन्स देता है उसके बारे में सेकेंड पॉइंट में बात करेंगे। ऑल्डो इट्स कम्प्लीटली रैंडम, बट गेटिंग ऑफ कॉइन्स में वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कलर्स ऑफ आर्ट बुक्स। तो चलो 2 के बारे में बात करते हैं अभी, सेकेंड पॉइंट के बारे में। तो सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, विच कलर ऑफ आर्ट बुक्स टू ब्रेक टू गेट द मोस्ट पॉसिबल कॉइन्स आउट ऑफ इट। मतलब कौन से कलर के आर्ट बुक को ब्रेक करना है जिससे हमको ज़्यादा कॉइन्स मिले। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कॉइन्स के ऊपर, उसमें मैंने साफ साफ 1000 एनर्जीज डिफरेंट अकाउंट्स में यूज़ करके दिखाया हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा कॉइन्स मेरे को पिंक कलर वाले आर्ट बुक्स और ऑरेंज आर्ट बुक्स में मिले। देखो, मैं अभी भी बोलता हूँ कि कॉइन्स जो है हमको किसी भी आर्ट बुक्स को ब्रेक करने के बाद रैंडमली मिलते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को हर बार ज़्यादा कॉइन्स पर्पल और ऑरेंज वाले बुक्स को ब्रेक करने के बाद मिले। अगर यकीन ना हो तो वो वीडियो जाके देखो, फिर ये वीडियो देखना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 आर्ट बुक्स को ब्रेक करने के बाद ही कॉइन्स मिलेंगे, बाकी आर्ट बुक्स को भी ब्रेक करके ट्राई कर सकते हो। लेकिन यह बात चल रही है कि कौन से वाले आर्ट बुक्स में ज़्यादा कॉइन्स मिलने का चांसेस है। और हाँ, आप लोग जो है एक एक करके ब्रेक कर सकते हो या फिर 10 एक साथ, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। ओके, अभी 3rd पॉइंट पे चलते हैं। 3rd पॉइंट है इन गेम बेस्ट टाइम टू ब्रेक स्लैश स्ट्रेंथ टू कलेक्ट कॉइन्स। तो देखो, ऐसा कोई टाइम है नहीं जिसमें हम लोग को ज़्यादा कॉइन्स मिले, बिकॉज इट्स टोटली रैंडम। लेकिन फिर भी मैंने और मेरे दोस्त लोग जो ओल्ड प्लेयर्स हैं लेवल 90 के ऊपर, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। अलग अलग टाइम पे 1000 एनर्जीज डिफरेंट अकाउंट्स में यूज़ किए और सबसे ज़्यादा कॉइन्स मिले डेली गेम रिफ्रेश होने के टाइम के बाद, मतलब रात के 9:30 to 10:30 प्राइम मेरिडियन के बीच। ये इंडिया वाला टाइम है, अगर इन गेम टाइम की बात करें तो सब 0:00 होने के बाद। आप लोग को बस इस टाइम के बीच स्ट्रेंथ या फिर ब्रेक करने हैं पर्पल या ऑरेंज क्वालिटी के आर्ट बुक्स को। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी बोनस पॉइंट एंड देयर इज जेम्स। देखो, ये वाला कोई ऐसा ज़रूरी है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। अगर किसी को गेम जो है अच्छे पोकेमोन से वापस स्टार्ट करना है, आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे ही एक अकाउंट क्रिएट करके उसमें डेली जेम्स और एनर्जी कलेक्ट करते रहना। बस वही करना है जब तक 50K+ जेम्स ना हो जाए, फिर जेम्स के थ्रू कॉइन्स खरीद के एक अच्छा सा पोकेमोन एक्सचेंज करने का। फॉर एग्जांपल, मेरा ये अकाउंट देख सकते हो, इसमें 40K+ जेम्स है, मैंने कलेक्ट किया हूँ ये सब। इधर मैं कुछ खेलता नहीं, बस जेम्स जो है कलेक्ट करके निकल जाता। जब मेरे ये अकाउंट में 50K+ जेम्स हो जाएंगे, इसमें अपन जो एक मस्त पोकेमोन ले लेगा या फिर बहुत सारे शाइनी बॉक्सेस। सो यही करना है आप लोग को भी, बस एक नया अकाउंट क्रिएट करने का और उधर डेली जेम्स कलेक्ट करके निकल जाने का, सिंपल है। सो यही था वीडियो में, होप आप लोग को अच्छा लगे। यही पे रखते हैं, बाय।